पर्यटन मंत्री महाराज जी वो कहाँ है? देखिए, मैं पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ जब जब उत्तराखंड में दिक्कत आती है वो सारी चीजों को एक तरफ रखते अपनी प्रायोरिटी को साबित कर। नहीं, आपकी बात सही है, धामी जी के अलावा जो मंत्री हैं वो क्या करते हैं? हेलो, उनके पास है नहीं कुछ कहने को, या फिर वो बचाव करना ही नहीं चाहते। उनको पता है उनकी नक्सली सरकार में वनाग्नि के मामले में, डेंगू के मामले में। दोबारा से कनेक्ट करिए शादाब जी को। अब आ रही है ऑडियो सर? जी आ रही, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी ऑडियो। ये उत्तराखंड जानना चाहता है मंत्री जी कहाँ हैं, पर्यटन मंत्री माननीय महाराज जी। देखिए, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं कि मेरे जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनके सामने बाकियों का तेज थोड़ा सा कम लग रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी, तो आप ये कह रहे हैं कि उनका तेज कम है इसलिए उनका प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री जब काम करते हैं विपक्ष यही आरोप लगाता है कि मुख्यमंत्री के अलावा। अगर ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री को खुद उतरना पड़ रहा है, पर्यटन मंत्री की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं नहीं, पर्यटन मंत्री अपना काम करे, वो भी अपनी सतर्कता दिखा रहे, लगातार वो भी सब टीम के संपर्क में है, लगातार वो भी सबसे। हेलो सर, सचिव कहाँ है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, वो सचिव पूरी टीम लगी है, सारे सचिव लगे हैं, सारे जिलाधिकारी लगे हैं, मुख्यमंत्री के आदेश। आप इतने अनुभवी चेहरे हैं, मेरे को एक बात बताइए कि क्या इस बात का इल्म सरकार को था कि नहीं था कि इतने श्रद्धालु आएंगे? तो ये 45-45 किलोमीटर का जाम, एक के बाद एक मौत की घटना है, खुद मुख्यमंत्री को ग्राउंड पर उतरना पड़ रहा है और दूसरी तरफ मंत्री नदारद दिखाई देते हैं, क्या ये सवाल है कि नहीं उत्तराखंड के सामने? देखिए तिलक जी, एक बात मैं बहुत आसानी आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारे उत्तराखंड को हमने इत्मीनान से देखा कि यहाँ यात्रियों का बहुत तेजी से आवागमन बढ़ा है जी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को पूरी तरह से एक तरह से इसका प्रचार किया कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और मेरा इससे जुड़ाव है, तो लोगों चार धामों को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये तो पहले भी नहीं थी जरूरत, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा ना कि एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह मेरे, क्योंकि उनकी आस्था है और ये दिखाया है कि आज लोगों को कि अगर आप बाबा बद्री बाबा केदार से मानते हैं तो आपकी बात ऊपर रख रहा हूं, लेकिन मंत्री जी कहां है मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं ना। मैंने कहा आपको थोड़ा सा संयम रखिए, है वो हम सुधार रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा संवेदनशीलता क्या होगी कि वो पूरी तरह से, आपने कुलदीप जी की बात को ध्यान से नहीं सुना, वो ये कह रहे हैं कि हर बार ऐसा क्यों महसूस होता है कि मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया जाता है, क्यों ऐसा महसूस होता है हर बार कि मुख्यमंत्री ही सिर्फ फ्रंट पर दिखाई देते हैं और बाकी मंत्री नदारद दिखाई देते हैं, और जवाबदेही जिम्मेदारी जब मुख्यमंत्री खुद तय करते हैं वही मंत्री गायब हो जाते हैं? नहीं, मैं ये तो माननीय मुख्यमंत्री पता करेंगे कि माननीय मंत्री जी कहाँ हैं और वो किस किस विषय पे, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने कहीं जिम्मेदारी लगाई हो सरकार? इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होगी? मैं ये कह रहा हूँ, अगर परिवार का मुखिया आपके चैनल हेड आपकी कहीं ड्यूटी लगा देते हैं, आप ओनर हैं, आप किसी अपने पत्रकार की कहीं ड्यूटी लगा देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ड्यूटी। अगर मेरे चैनल हेड मेरी ड्यूटी लगा रहे तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। अरे मैं तभी आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर उन्होंने आप और अगर मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है और मैं गायब हो जाऊंगा तो सवाल कौन करेगा साहब? अब मेरा उत्तर भी तो ले लीजिए ना। प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए सत्तारूढ़ दल के जो नेता यहाँ बैठे हैं उनको पता ही नहीं उनके पर्यटन मंत्री कहाँ हैं, आप बताइए आम जनता को कैसे पता होगा? नहीं नहीं, मैंने कहा सबको मालूम है, यही मौजूद है, काम कर रहे हैं, क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन मैंने कहा तो जल्दी से बात पूरी कर लीजिए प्लीज, फिर मैं कुलदीप जी को वक्त दूंगा फाइनल, जल्दी प्लीज बोलिए शताब जी। मैंने केवल इतना कहा कि मेरे युवा मुख्यमंत्री, क्योंकि परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेन को ले, मैं